हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वी लुकअप विद एच स्टैक। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वी लुकअप विद वी स्टैक। अब वी स्टैक और एच स्टैक में क्या डिफरेंस है, हम उसके बारे में बताएंगे आपको किसी और वीडियो में। फिलहाल मेरे पास प्रॉब्लम है, उस समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे D1, D2, D3, D4 चार अलग अलग शीट पे डेटा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका सीक्वेंस जो है बिल्कुल सेम है बाकी शीटों में। ये जरूरी है, अगर सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम इस तरह से। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि मुझे यहाँ पे पूरा डेटा लुकअप कर। अब इसका सीक्वेंस मतलब कि जैसे पूजा मोहन का सीक्वेंस है, ना कि बाकी का सीक्वेंस। अभी प्रैक्टिस शीट आपको चाहिए और इसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज चाहिए, जो कि तकरीबन 40 वीडियोस के आसपास है भी एडवांस वी लुकअप का। तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना होगा और उस ऐप के अंदर मेरे कोर्स दिखेंगे। तो कहाँ पे ऐप मिलेगा आपको, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे सर्च करना पड़ेगा एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, या फिर आप iptindia.com पे जा सकते हैं और वहां पे आपको वीडियो कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको आएगा app.iptindia का लॉगिन, जहां मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे और इसी के अंदर आपको दिखेगा मास्टरिंग इन वी लुकअप एंड एक्स लुकअप। इस पे क्लिक कीजिए, इसमें दो तीन वीडियो फ्री है, उसको देखना है, देख के चेक कर सकते हैं। और इसकी कोर्स कंटेंट देखिए, इसमें 34 वीडियो है। अभी एक और ऐड होगा तो 35 वीडियो, 35 फाइल्स हो जाएंगे। और इसमें सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में है कि यहाँ पे आपका वी लुकअप एंड एक्स लुकअप, बेसिक टू एडवांस, एडवांस वी लुकअप ट्रिक्स, यहाँ पे एक्स लुकअप और वी लुकअप का जो एडवांस एक्स लुकअप ट्रिक्स विथ वी लुकअप और एक्स लुकअप कंपेयरिंग हो जाएगा, पिक्चर लुकअप हो जाएगा, यहाँ पे वी लुकअप प्रोजेक्ट है। उसके अलावा यहाँ पे वी लुकअप विथ वी स्टैक एंड एच स्टैक है, जिसमें हमने वी स्टैक की वीडियो डाली थी। अभी हमें एच स्टैक की वीडियो थोड़ी देर में इस पर अपलोड करो, तो इसको आप बाय कर सकते हैं बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम समझते हैं पहले। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो प्रॉब्लम समझिए कि मेरे पास डेटा जो है वो तकरीबन 5 डिफरेंट डिफरेंट शीट में, और जो मंथली जो है यहाँ इसका जो कॉलम काउंट है वो भी फिक्स नहीं है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, और ये सारे के सारे डिसअरेंज। अरेंज क्या है, तो अरेंज इसके नाम जो है ना, ये जो है आईडी नंबर नेम, ये सारे शीट में सेम है। अब मुझे किसी और शीट पे यहाँ इस तरह से पूरे डेटा को लुकअप करना, पूरे डेटा। तो अगर जो सीक्वेंस यहाँ है वही सीक्वेंस अगर यहाँ हुआ, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे फॉर्मूला एच स्टैक, और यहाँ पे पहले शीट पे क्लिक करेंगे और पहले शीट पे क्लिक करके अपना डेटा सिलेक्ट, और यहाँ पे हम शिफ्ट को प्रेस करके लास्ट वाले पे क्लिक करें, एंटर मारिए। ये पूरा डेटा आप देखिए आपका इस तरह से अरेंज होके आ, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा डेटा यहाँ जो अरेंज होके आ रहा है वो सही फॉर्मेट में नहीं आ रहा। मुझे इसको सही फॉर्मेट में चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एच स्टैक लगाया, एच एच स्टैक, और एच स्टैक के अंदर हमने D1 का तो मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा हमने D2 को सिलेक्ट किया, तो D2 का नेम नहीं किया, सिर्फ मंथ किया है, और शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए आपका एक सीक्वेंस में डेटा आया। ओके, अब यही काम मैं करना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे इस तरह का डेटा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स को यहाँ पे लुकअप करना है।
तो वी लुकअप में हम जो है इस एरर के साथ लगा तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आईडीज, बहुत सारे शीट्स है, शीट बढ़ सकते हैं घट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप के अंदर मैं लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एच स्टेक नाम का फॉर्मूला इस्तेमाल। एच स्टेक में गया, हमने पहले को इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ आखिरी को सिलेक्ट कर लिया और एच स्टेक को कॉमा किया और यहाँ पे कॉमा 2, 0 करके एंटर करेंगे तो आप देखिएगा कि पूजा आ गया। अब इसको आगे ड्रैग करेंगे तो ये सीक्वेंस नंबर देना पड़ेगा, पर किस सीट में क्या सीक्वेंस है इसका कोई अता पता नहीं, पर इतना पता है कि नवंबर अगर इस सीट में है तो किसी और सीट में नवंबर नहीं होगा। तो क्या करें इसके लिए, अब इसको हम जो है मैच में लगाना चाहें लेकिन वो भी पहले रो में, तो पहला रो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो इसको यहां से हम कॉपी कर देते हैं, जो एस एस टेक का डेटा है इसको कॉपी कर कट कर लेते हैं, इसके जगह पे हम डी टी डाल दें डी टी। तो यहाँ पे लेट फॉर्मूला, लेट फॉर्मूले के अंदर हमने बोला कि डी टी नाम का एक हमने डिफाइन किया वेरिएबल जिसके ऊपर एस स्टेक की वैल्यू, यहाँ पे एच स्टेक की वैल्यू। फिर मैंने यहाँ पे वी लुकअप में लगाया डी टी। अब जो 2 नंबर हमने लिख रखा है अब यहां हमें लगाना है मैच करता हूं, इसका मैच मैच फॉर्मूले में हमने बोला इस नेम को ढूंढना है, इसको ढूंढना है इस नेम, और इसमें मैंने दिया चूज कॉलम्स के अंदर, यानी चूज रो होगा क्योंकि ये आपका वर्टिकल है ना, तो ये रो होगा चूज रोज, और इसमें मैंने दिया एरे जो कि हमारा डी टी है और इसमें से मैंने बोला 1 और यहां पे कॉमा दिया और यहां पे अगेन कॉमा 0, एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए आपका। अब इसमें चूज रोज क्या करता है, ये एच स्टेक तो पता है कि क्या करता है, अब चूज रोज क्या, देखिए अगर मैं यहां पे लगाया फॉर्मूला चूज रोज और इसके अंदर एरे में जो हमारा डी एस टेक का फॉर्मूला है उसके अंदर गया और मैंने बोला 1 नंबर, तो उस डेटा का पूरा 1 नंबर जो है जैन फाइव मार्च सिंबल वो आपको दे देगा यहाँ देखिए, और मैच क्या करेगा इसी में मैच करके और उसका इस नेम का रो नंबर कॉलम नंबर ऐसे ही जैन का साहब का, इसमें कई बार रिपीटेड है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पहला ही शो करे इससे डेटा। अब इसको आगे ड्राइव करने से पहले मुझे करना होगा फ्रीज, किसको इसको A1 से लेके F21 जो है इसको फ्रीज कर दीजिए, A2 का A फ्रीज कर दीजिए और मैच का B1 फ्रीज कर दीजिए, बाकी कुछ फ्रीज करने की जरूरत नहीं है और इसको ड्रैग करें तो आप देखेंगे एक चमत्कारी ढंग से आपका डेटा आ गया और ये चीजें आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है उस पे आपको पता रहता है। तो ये जो हमारा कोर्स है इस कोर्स में और भी इस तरह के नए वीडियोज ऐड होने वाले हैं तो आप इस कोर्स में बने रहे। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। आपने परचेज नहीं किया है तो अभी अभी इस कोर्स को परचेज कीजिए। थैंक यू।